नमस्कार दोस्तों, जानिए कैसे में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम आपके लिए स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लेकर आते हैं। अगर आपने हमारा चैनल जानिए कैसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, सब्सक्रिप्शन बटन के पास एक नोटिफिकेशन बेल होगी, उस पर आप क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होगी। आज मैं आपके लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ वो है, ये कारण है जिसकी वजह से तेज़ी से झड़ रहे हैं बाल। जी हाँ दोस्तों, आजकल बाल झड़ना एक आम समस्या हो गई है और बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष इस समस्या से पीड़ित हैं। बाल झड़ना रोकने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि आपको इसके कारणों की जानकारी हो। सुबह सुबह कंघी करने के बाद बालों का एक बड़ा गुच्छा कंघे पर देखना बेहद डरावना हो सकता है। बालों के झड़ने की वजह अनुवांशिक से लेकर मौसम तक से जुड़ी हो सकती है। कई बार गंभीर रोगों की वजह से आपके बाल झड़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं बाल झड़ने के प्रमुख कारण। ड्रायर का इस्तेमाल। आजकल की भागा भाग की दिनचर्या में वक्त की काफ़ी कमी है और अमूमन लोग नहाने के बाद बालों को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का उपयोग करते हैं। लगातार बाल झड़ने का यह प्रमुख कारण है। युवा बालों को विभिन्न स्टाइल में सजाने के लिए यह उपकरण ट्रीटमेंट में लाते हैं, जिस वजह से उनके बाल तेजी से झड़ने लगते हैं। गर्भावस्था या दवाएं। कुछ विशेष दवाएं जो कि आम जीवन में व्यक्ति अक्सर लेता है बालों के झड़ने का प्रमुख कारण है। उदाहरण के तौर पर विटामिन ए सप्लीमेंट, गठिया, दिल के रोगों से जुड़ी दवाइयाँ, ब्लड प्रेशर की गोलियाँ, खून पतला करने के उपचार के दौरान ली जाने वाली दवाइयाँ, कंट्रोसेप्टिव दवाएँ या फिर नींद की दवाइयों के सेवन से भी बालों का झड़ना बढ़ सकता है। इसी तरह गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के लिए शरीर में एक्सोजन नामक हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है, यह भी बालों की तेजी से झड़ने का प्रमुख कारण है। बेहतर और संतुलित भोजन से इसे रोका जा सकता है। लगातार बुखार व टाइफाइड। टाइफाइड व वायरल संक्रमण के कारण भी बाल झड़ना तेज हो सकता है। बहुत लंबे समय तक टाइफाइड या वायरल संक्रमण, तेज़ बुखार यदि भी इसके प्रमुख कारण में से एक है। हालांकि रोगों के उपचारित होने पर यह समस्या ठीक हो सकती है। पारिवारिक पृष्ठभूमि। बालों के झड़ने का पारिवारिक पृष्ठभूमि से भी गहरा संबंध है। इसका हल उचित आहार और बेहतर दिनचर्या में शामिल है, जो इस समस्या को कम कर सकता है। थायराइड बनना। बाल के झड़ने का संबंध थायराइड बढ़ने से भी होता है। थायराइड ग्लैंड्स अधिक संक्रमित होगा या फिर कम संक्रमित होगा, दोनों स्थितियों में बाल झड़ते हैं। थायराइड का उपचार होने पर यह समस्या अपने आप खत्म हो जाती है। एनेस्थीसिया। किसी बड़ी सर्जरी के बाद कुछ महीनों तक बालों का झड़ना तेज हो जाता है। इसका कारण सर्जरी के दौरान दी गई दवाएं और एनेस्थीसिया हो सकते हैं। हालांकि कुछ महीनों के पश्चात यह समस्या कम होने लगती है। फंगल संक्रमण। कई बार सिर की त्वचा संक्रमित हो जाती है, जो कि बालों के झड़ने का प्रमुख कारण है। इसके लिए तत्काल उपचार करवाएं, साथ ही व्यक्तिगत साफ सफाई का भी पर्याप्त ध्यान रखें, जो कि बालों का झड़ना रोकने में प्रमुख सहायक हो सकता है। अधिक तनाव। आज के रोजमर्रा जीवन में तनाव से दूर रहना असंभव है, लेकिन यह आपके बालों पर भी विपरीत असर डालता है। कोशिश करें कि तनाव मुक्त रहे, जिससे कि बालों का झड़ना कम किया जा सकता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। किसी भी मदद अथवा सुझाव के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल जानिए कैसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो में दिए गए
गोलाकार लोगो पर आप क्लिक करके हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।